नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, शहादत पर सियासत। हमारे देश में सियासत करने वालों की जैसे उन्हें मौका मिलता है सियासत वो शुरू कर देते हैं, कोई मौका वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते और लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी ये सियासत तकलीफ देती है, खासतौर पर उस वक्त जब मामला देश की भावनाओं से जुड़ा हो, जब मामला देश के लिए शहीद होने वाले सपूतों से जुड़ा हो। ऐसे ही एक मामले में केंद्र सरकार के रुख से शहीद के परिजन भी हैरान है और सेना के जवान भी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के मामले में हो रही सियासत। तो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार करने के बाद अमानवीय यातनाएं देकर के मार डाला था। इसके बाद भारत को शहीदों का शव बुरी हालत में वापस किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया के परिजन उस वक्त से ही इस बात की मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस हरकत को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेकर जाए, लेकिन यूपीए के बाद एनडीए की मोदी सरकार ने भी इस मामले से यूटर्न ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ना ले जाने का फैसला किया गया। शहीद के परिजनों को थी इंसाफ की उम्मीद। शहीद सौरभ कालिया के साथ जिन्होंने की क्रूरता, उनसे हिसाब मांगेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी, न्याय दिलाएगी, लेकिन सरकार ने किया शहीद के परिजनों को निराश। मोदी सरकार ने जाहिर की मजबूरी, इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। कारगिल का युद्ध जिसमें भारतीय सेना ने दिखाया था अदम्य साहस, पाकिस्तान के छद्म युद्ध का दिया था मुंह तोड़ जवाब। इस युद्ध में भारत की विजय भी हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इस विजय की कीमत भी चुकाई थी। भारत के कई वीर सपूत इस जंग में शहीद भी हुए थे और इन्हीं वीर सपूतों में शामिल है शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का नाम भी। कैप्टन सौरभ कालिया को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने बंधक बना लिया था। उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद उनका छत्विच्छत शव भारत को सौंपते हुए पाकिस्तान ने कहा था कि ये शव उन्हें गड्ढे में मिला है और खराब मौसम की वजह से सौरभ की मौत हुई। लेकिन पाकिस्तान की इस कहानी के खिलाफ कई सबूत सामने आए कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया, मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। और तब से ही शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर एन के कालिया पिछले 16 साल से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की ओर से ये कहकर उनका दिल तोड़ दिया गया कि ये मामला सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर नहीं जाएगी। मोदी सरकार को यह मामला प्रैक्टिकल नहीं लगता। शहीद सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर एन के कालिया मोदी सरकार के इस फैसले से निराश हैं। उन्हें लगता था कि मोदी सरकार इस मामले को जरूर आगे लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की मांग की थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने कहा था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता।
क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं होगा। अब कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस मामले पर अपना रुख साफ करें। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। स्थिति सरकार को निश्चित रूप से स्पष्ट करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे सैनिक अगर उनके हमारी अपने जान पर खेल के वो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं और अगर वो शहीद होते हैं तो भी एक जो इंटरनेशनल लॉ है प्रिजनर्स ऑफ वार के बारे में, उसका पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। सरकार को हर वो काम करना चाहिए जिससे उनके परिवार के लोगों को एक तरह से समझ में आए कि इस देश की जनता, इस देश की सरकार, इस देश का हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है और अगर सीमा पर लड़ने वालों को, सीमा पर सुरक्षा करने वालों का मनोबल गिरेगा, उनके परिवार का मनोबल गिरेगा, तो मैं समझता हूं ये देश हित में नहीं। केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी और एनडीए में शामिल शिवसेना ने भी इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत कर सकती हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले कैप्टन सौरभ कालिया का मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। युद्धबंदियों के साथ इस तरह की क्रूरता जिनेवा युद्ध समझौते का उल्लंघन है और पाकिस्तान ने ऐसी क्रूरता करके अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन भी किया है। शहीद के पिता डॉक्टर एन के कालिया ने कहा है कि वो आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए जंग लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हाँ, मोदी सरकार से शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिजनों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस फैसले के बाद पूरे देश से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसके बाद सरकार ने मामले में अपनी मजबूरी बताते हुए पुनर्विचार की बात कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा बदलने की इजाजत मांगने की बात कही है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल जाती है तो इस मामले में सरकार आगे का कदम उठाएगी। सौरभ कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती है, एक्सेप्शनल सरकमस्टांस है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो सबूत जिससे पाकिस्तान का झूठ सामने आ गया, साथ ही आपको बताएंगे रक्षा विशेषज्ञ इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं।